प्रियंका बना रही है रील और आकाश बता रहा है कि वो कैसे एक्सप्रेशन बनाएगी। बताइए भाई कैसे बनाएगी? बता दूं। आँखों आँखों में शैतानी हो गई। भाई कैसे गाने से कैसे मटर के मारे बता रहा। अरे यार उसकी नजरें देख रही है तो अब मैं जा रही हूँ अपना ब्लॉग शूट करने, क्योंकि सब लोग करेंगे, जो भी करेंगे मुझे नहीं पता ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मनाली और शिमला में की थी, तो सेम ही एक्सपीरियंस होता है। बट इन सब के लिए फर्स्ट टाइम है, तो शायद होपफुली इनको बहुत मज़ा आएगा। ये लोग करने नहीं वाले थे, बट मैंने स्पेशली गाड़ी रुकवाई अंकित से कि कुछ आए हैं तो एडवेंचर तो करें। और मौसी ने ही बोला था मौसा को कि रास्ते में गाड़ी रोक दो, बच्चों को एक्टिविटी कराओ। बीपी हाई हो रहा है भाई इस लड़की का। इसको यही डर है कि मेरा वजन झेलेगा या नहीं, तो भैया ने भी बोला है हाथी का भी वजन झेल लेता है वो। मार रही है, देखियो भैया ने भी यही एग्जांपल दिया, मैं क्या करूं। मेरी लिपस्टिक उतर गई यहाँ से। बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि साइकिलिंग और ये जिप क्लाइंबिंग ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और हमारा मोटा भाई भी अब करेगा। मोटा भाई करेगा। मोटा भाई बहुत एक्साइटेड है, देखो। और अंकित और जीजू करेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको? ऑफ रोडिंग करेंगे उस बाइक से जो आपको दूर नजर आ रही है, ये देखो। इससे करेंगे तो फुल टू मजा आने वाला है। भैया ने हमें डिस्काउंट भी बहुत मस्त दिया है। अब प्रियंका और बच्चे जा रहे हैं जिप क्लाइंबिंग के लिए, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बस चिल मारते हैं। ये मेरा प्यारा बीबी है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तुमने मेरे को बोल दिया पैसे खत्म है, तुम एटीवी कर रहे हो? सीरियस, आपके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे? एक काम करो भैया ने सॉन्ग चलाया, आप डांस ही कर लो, ठीक है? कर लो डांस ही। चाबी मेरे पास है। तो भाई ये चश्मा दे दो दीदी। तो अब हमारा छोटा भाई छोटा हाथी तैयार हो रहा है। ओए होए आई नी, बहुत मजा आएगा। शौर्य कैसा लग रहा है? शौर्य इधर देखो, कैसा लग रहा है? अच्छा, डर लग रहा है? अभी जब वापस आओगे ना तब बताना कैसा लगा, ठीक है? रास्ते में रुक गई तो क्या करोगे? जाओ आप ऊपर, जाओ ऊपर, चलो। आप बाकी सबकी हाइट वाली है। अभी आने से दो। चलो चलो भैया ऊपर आ जाऊं? नीचे नीचे, इनका छोटा है बाकी सबका बड़ा है। माही नीचे हो, हट जा। बेटा वो कुछ होता है होगा ना, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हें देखना ही क्यों है, एंजॉय करो अपना, देखो। हाँ जी, बाय शौर्य। वापस कभी मत आना, बोलो ना क्यों। मैं नीचे बना रही हूँ। आकाश जा, आकाश तैयार है, तू भी तैयार हो गया? भैया कभी कोई गिरा है यहाँ से? नहीं, कभी नहीं। वो मेरी सीरत है। शीतू हाय। शीतू बहन तू डबल बेल्ट लगवा ले, ये उतार दे, गिर जाएगा गॉगल रास्ते में। हाँ जी बेटा, ये देखो इन्हें मरने से पहले भी सेल्फियां लेनी है। हाँ जी बेटा, तो ये आ गए हमारे शौर्य दादा। शौर्य कैसा लगा? डर लगा। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया ना, पहले तो तुम कर नहीं रहे थे। कैसा आ रहा था? बहुत मजा, ठंडी। तुम तो मना कर रहे थे मैं नहीं करूंगा, पता है साइकिल पे भी बहुत मजा आता। प्रियांशु फिर मैं जाऊंगा।
प्रियांशु का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वैसे तो ये पेड़ पे चढ़ता रहता है। ये कौन कर रहा है? अंकित है ना? गए नहीं अभी तक? जा रहे बेटा, इनका एक घंटे का काम है, हम तो अभी फ्री हो जाएंगे। तो मम्मी और कर देंगे हम लोग क्या? ये आकाश आ रहा है, ऐसा शेड्स ऐसा नहीं है, स्टाइल में लगा रहा है। इसके आंख में निकला हुआ एक पकोड़ा, उसको छुपाने के लिए शेड लगा रहा है। क्या तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। प्रियांशु तुम यहीं पे हो तो गाड़ी, ये गाड़ी की चाबी पर्स में रख लो, ये रास्ते में गिरे हुए मुझे दे दे। ओए कम बोला यार, मैं लेने लगी लग। चल प्रियांशु बाय बाय। हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। अभी माही को रेडी कर रहे हैं, माही रेडी हो रही है। माही हाथ दोनों छोड़ देना, ठीक है? छोड़ देना ढंग से, कहीं डर जाओ। चलो माही छोड़ देना हाथ। वाह माही ने छोड़े सबसे पहले हाथ। ये 12 दिन का था, सब उन्हीं का था। अब आकाश रेडी हो गया, अब आकाश जा रहा है। भाई तू अपने फोन से वीडियो बनाएगा अपनी? और गिर गया तो फोन? फोन मत रखो, फोन रख लो। भाई ये नहीं मानता है, किसी की नहीं सुनता। वही तो जरा सा स्लिप हुआ गया, मिलेगा भी नहीं। चलो लेट्स गो। ये जा रहा है भाई अपनी सेल्फी लेता हुआ। मजा आया सबको देख के। अच्छी तरह बांध दो शायद कर ही ले। तू तो बड़ी भिन 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 कर रही थी, मुझे नहीं जाना, मधुमक्खी की तरह भी भी भी। अब प्रियंका वहाँ जाके मुझसे कहती यार तू तो फोन ले आया, और मैं डर के मारे ना फोन नहीं लेके आई, और मैंने अपनी वीडियो नहीं बना पाई। और पता है मेरे से भी गलती होगी, मैंने तुम सबकी नीचे से बनाई ना, इतना क्लीन नहीं आया। अब मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे एक्सप्रेशन तक आते। मजा आया? पहले तो बड़ी भिन भिन कर रही थी, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। नहीं जाने की बात नहीं की थी मैंने, ये कहा था कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। डर नहीं लगा? चिल्लाएं क्यों फिर? मजे में। प्रियंका बना रही है रील और आकाश बता रहा है कि वो कैसे एक्सप्रेशन बनाएगी। बताइए भाई कैसे बनाएगी? आंखों आंखों में शैतानी हो गई भाई, कैसे निकालने से कैसे मटर के मारे बता रहा। अरे यार उसकी नजरें देख रही है, तो हम लोगों ने फुल टू मस्ती धमाल सब कुछ कर लिया है। हम लोगों ने एटीवी चलाई है, इन लोगों ने जिप लाइन वगैरह करी है, तो वही मजा आया। बहुत मजा आया। जिप लाइन में डर लगा? बिल्कुल नहीं, बहुत मजेदार होती है यार। तो मैं जिप लाइन बहुत बार कर चुका हूँ, शिमला में भी करी है और भी बहुत जगह पे करी है मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करी। लेकिन यहाँ पे करने का सिर्फ ये मतलब मजा था कि यहाँ पे थी 650 मीटर की, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी होती है 650 मीटर। तो बाकी सबने करी है, वीडियो के अंदर सब कुछ आएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो बस यही है मस्ती में, मजा आता है भी तो है। क्यों? मैं जब गया जिप लाइनिंग पे तो मैंने अपनी वीडियो ऑन करके फोन पकड़ा। हाँ, फोन पकड़ा, प्रॉपर वीडियो बनाई है वहाँ तक की, ठीक है। और बंदों ने सोचा कि भाई मेरा फोन नीचे गिर जाएगा, खाई में फोन टूट जाएगा, ये वो, किसी ने अपनी वीडियो नहीं बना पाई। और प्रियंका वहाँ पे मेरे से पहले प्रियंका चली गई वहाँ, जब मैं जैसे फोन लेके पहुंचा कि मेरे को भी फोन लेके जाना चाहिए था। तो चल रहे हैं हम लोग अब, चार लेके आए थे ना, तो अब हम लोग चल रहे हैं आगे दिल्ली की तरफ, दिल्ली जाके गाड़ी लगाएंगे। फ्रेंड्स आज है सैटरडे और रश देखो कितना हो गया। अच्छा हुआ हमने जब भी अपना प्लान ये बनाया तो बीच में सैटरडे संडे नहीं आया, तो हम लोग देहरादून के पास पहुंच गए हैं। अभी पहुंचे नहीं है देहरादून, लेकिन नियर बाय आउट हैं देहरादून के। तो ट्रैफिक देख लो कितना गंदा हो पड़ा है, और सोने पे सुहागा ये है कि बारिश भी शुरू हो गई है। तो आज तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज मसूरी में। जिन्होंने होटल बुक करे होंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करे होंगे उनके लिए तो भैया भगवान ही भरोसे है। फिर भाई तो वेदर देखो भाई साहब, अब हो रही है बारिश खतरनाक वाली। अब मन कर रहा है कि वापिस मसूरी चलते हैं, अब जाने का मन नहीं कर रहा भैया ये मौसम देख के। और आ गए हैं हम छल्ली पॉइंट, बारिश में वो भी
मैं तो कह रहा यार रुक जाते एक दिन है, कंफर्म है, बोलो मैं रेडी हूँ फिर। समझ लो तो हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच गए हैं क्यों? क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और दिन में एंजॉय भी इतना कर लिया, थोड़ा थक गए हैं, तो यहाँ पे चाय भी पी लेंगे। और प्रिया कह रही थी कि हमने थोड़ी मार्केटिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो आप लोग मार्केट कर लो, हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रुके थे हरिद्वार में। ओ भाई क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरे रात को चश्मा लगा के घूम रहा है ये, मैं नशीली आके सिखा रहा हूँ नशीली आके। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पहुँच गए हैं क्योंकि अब लग रही है थोड़ी भूख, और खाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, वो भी दिखाता हूँ, टेबल हमारा लग रहा है। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, दिल्ली एंटर कर चुके हैं, हम सरायकाले खां के पास है। अब यहाँ से दोनों गाड़ियों के रूट अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जाना है रोहिणी और मैंने जाना है गुड़गावा। तो आकाश को मैं उतार रहा हूँ, वो मेरी गाड़ी में था, वो चला जाएगा उस गाड़ी में। तो भाई अब चलते हैं घर की तरफ और मिलवाता हूँ मैं सबको एक बार आखिरी बार आज का। चलो जी भाई बाय। ओके मज़ा आया? नहीं आया? बहुत। नहीं आया? आया फिर अगली बार कहाँ चलना है? तो फ्रेंड्स अब रात के बज रहे हैं 2:30 और फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत बाहर थक गए हैं, बहुत लंबी ड्राइविंग हो गई आज। एक्चुअली ड्राइविंग से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी थी ना दोपहर को, उसकी वजह से ज़्यादा थकान हो गई ड्राइविंग करते समय भी। तो बस अब घर पहुंच गए हैं, आराम से एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्या, आप सोएंगे सीधा। तो आई होप आप लोगों का मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय।